नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज करवा रहा हूं मैं आपको जनरल साइंस से संबंधित वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इन वीडियो में करवा रहा हूं आपको मैं 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट विज्ञान के MCQ करवा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो प्रश्न लेके आता हूँ जो जनरल साइंस से संबंधित आने वाले प्रत्येक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए मैं करंट अफेयर, इंडिया GK, राजस्थान GK और RRB NTPC के लिए भी मैं मॉडल पेपर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और स्वयं का कंपेरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस आधार पर की थी? ए ऑप्शन है यूरेनियम विखंडन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है अल्फा विकिरण और डी ऑप्शन है गामा विकिरण। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि यूरेनियम विखंडन। तो ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। ए ऑप्शन है सौर सेल, बी ऑप्शन है थर्मल सेल, सी ऑप्शन है सल्फर सेल और डी ऑप्शन है सोलर सेल। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। यह हैं सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य सोर्स से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है फोटोन और डी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रोटॉन। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए ऑप्शन है व्यतिकरण, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है ध्रुवीकरण और डी ऑप्शन है अपवर्तन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है स्नेल ने, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है मैक्सवेल और डी ऑप्शन है यंग ने। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? ए ऑप्शन है
रोमर, बी ऑप्शन है कॉपरनिक से, सी ऑप्शन है केपलर और डी ऑप्शन है गैलीलियो। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था और यहाँ पे है कॉपरनिक्स। तो कॉपरनिक्स ने क्या किया था, सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट है केपलर, तो केपलर ने क्या किया था, ग्रह की गति के नियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी, ग्रहों की गति की नियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए ऑप्शन है वर्णमंडल, बी ऑप्शन है कोरोना, सी ऑप्शन है प्रभात मंडल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि कोरोना। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा बीच में आ जाए, बी ऑप्शन है पृथ्वी बीच में आ जाए, सी ऑप्शन है सूर्य बीच में आ जाए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाए। तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य ग्रहण होता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता कब है, यह होता है अमावस्या को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? ए ऑप्शन है चंद्रमा बीच में आ जाए, बी ऑप्शन है पृथ्वी बीच में आ जाए, सी ऑप्शन है सूर्य बीच में आ जाए और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पृथ्वी बीच में आ जाए। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ए ऑप्शन है अपवर्तन और परिप्रक्षेपण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी ऑप्शन है विवर्तन और अपवर्तन और डी ऑप्शन है अपवर्तन और परावर्तन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि अपवर्तन और परावर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं, मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है व्यतिकरण, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है ध्रुवीकरण और डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मरीचिका बनने वाली घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के शोषण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण और डी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाता हुआ दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? ए ऑप्शन है आयाम से, बी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य से, सी ऑप्शन है तीव्रता से और डी ऑप्शन है वेग से। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि तरंग दैर्ध्य से। तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस और डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि अवतल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? ए ऑप्शन है विक्षेपण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन, सी ऑप्शन है परावर्तन है और डी ऑप्शन है अपवर्तन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रकीर्णन। तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश युक्त किया जाता है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? ए ऑप्शन है खून का रंग लाल होता है, बी ऑप्शन है जीव जंतु लाल रंग पहचान सकते हैं, सी ऑप्शन है लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है और डी ऑप्शन है लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। और सबसे ज़्यादा प्रक्षेपित होने वाला रंग कौन सा है? वह है बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण है सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है बैंगनी रंग, बी ऑप्शन है पीला रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग और डी ऑप्शन है हरा रंग। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि बैंगनी रंग। तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? ये होता है लाल रंग का। और इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? सात होती है। और आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, बेनी आ है पी नाला। क्या है ट्रिक? बेनी आ है पी नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि उत्तल दर्पण। तो वाहनों में पीछे से आने वाली
वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अवतल दर्पण या कॉन्क्लेव मिरर। तो रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ पर बनता है? ए ऑप्शन है कॉर्निया, बी ऑप्शन है आयरिस, सी ऑप्शन है प्यूपिल और डी ऑप्शन है रेटिना। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि रेटिना। तो वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है, तो रेटिना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है कॉर्निया, तो जब हम आँख या किसी को दान करते हैं आँख, तो कौन सा भाग दान करते हैं? आँख का कॉर्निया भाग हमें दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश गति को मापा? किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा? ए ऑप्शन है 1776 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1676 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1876 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1867 ईस्वी में। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो दोस्तों, प्रकाश को किसने मापा था सबसे पहले? प्रकाश की गति को ओले रोमर ने, और वह कब मापा था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन, यानी कि 1676 ईस्वी में। तो 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है पायरोस्कोप, बी ऑप्शन है पेरिस्कोप, सी ऑप्शन है टेलीस्कोप और डी ऑप्शन है ओडोमीटर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। तो पेरिस्कोप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है ध्रुवण के कारण और डी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर
में संकेतक के रूप में प्रवाहित होता है। ऑप्टिकल फाइबर में संकेतक के रूप में प्रवाहित होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश तरंग, बी ऑप्शन है रेडियो तरंग, सी ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग और डी ऑप्शन है विद्युत तरंग। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रकाश तरंग। तो ऑप्टिकल फाइबर में संकेतक के रूप में प्रकाश तरंग प्रवाहित होती है। यह जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रभाव पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक फाइबर के प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा बुक के लेखक कौन है? नेचुरल सिलेक्शन बुक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है चार्ल्स डिकेस, सी ऑप्शन है हुग्यो ब्रिज और डी ऑप्शन है लेमार्क। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सेलेक्शन बुक का क्या किया था? विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी के जनक कौन है? ए ऑप्शन है लेनेक, बी ऑप्शन है सैमुअल हाइनमैन, सी ऑप्शन है डोमेक और डी ऑप्शन है वॉक्समैन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि सैमुअल हाइनमैन। सैमुअल हाइनमैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? ए ऑप्शन है केवल विलुप्त जीव जंतु का, बी ऑप्शन है केवल विलुप्त पादपों का, सी ऑप्शन है जीवाश्म पादपों का और डी ऑप्शन है संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि संकटापन्न पादप और जीव जंतु। तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण रेड डाटा बुक में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है बेंगलोर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि लखनऊ में। तो लखनऊ में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है। और लखनऊ कहाँ स्थित है? यह है यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी के कैपिटल लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी पर स्थित है? गोमती नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट है ये देहरादून। देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान संस्थान है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं? ए ऑप्शन है डेवर, बी ऑप्शन है स्टीफन, सी ऑप्शन है किरचॉफ और डी ऑप्शन है न्यूटन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि डेवर। तो डेवर थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ए ऑप्शन है डायनेमो, बी ऑप्शन है बैटरी, सी ऑप्शन है परमाणु बम और डी ऑप्शन है हीटर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि बैटरी। तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यहाँ पे है डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हीटर, तो
तो हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लेप में रहता है, विद्युत मरकरी लेम्प में रहता है। ए ऑप्शन है कम दाब पर पारा, बी ऑप्शन है अधिक दाब पर पारा, सी ऑप्शन है नियोन और पारा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि कम दाब पर पारा। तो विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। ए ऑप्शन है 1 जूल, बी ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलाम, सी ऑप्शन है 1 न्यूटन प्रति कूलाम, और डी ऑप्शन 1 जूल प्रति न्यूटन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 1 जूल प्रति कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, और डी ऑप्शन है ओम मीटर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ओम मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी क्या होता है? ओम मीटर ही होता है। और ओम का प्रतीक क्या होता है? ये होता है। क्या होता है? ओम का प्रतीक ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है। ए ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध का, बी ऑप्शन है विद्युत धारा का, सी ऑप्शन है विद्युत शक्ति का, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि विद्युत धारा। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण क्या है? एमीटर है, जो एम्पियर में उसकी मापांक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेकामीटर कितना होता है, एक डेकामीटर बराबर कितना होता है। ए ऑप्शन है 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 10 मीटर, सी ऑप्शन है 10 लीटर, और डी ऑप्शन है 100 लीटर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 10 लीटर। तो 10 लीटर के बराबर होता है एक डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। ए ऑप्शन है हेनरी, बी ऑप्शन है ओस्टेज, सी ऑप्शन है फेराडे, और डी ऑप्शन है वोल्टा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि ओस्टेज। तो ओस्टेज ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई है, रेडियो धर्मिता की इकाई है। ए ऑप्शन है एंगस्ट्रम, बी ऑप्शन है कैंडेला, सी ऑप्शन है क्यूरी, और डी ऑप सी ऑप्शन है फर्मी, और डी ऑप्शन है क्यूरी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि क्यूरी। तो रेडियो धर्मिता की इकाई है क्यूरी है, और एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है, और कैंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की इकाई है, और फर्मी, तो फर्मी के बारे में मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, रेडियोधर्मी तत्व
किसका उत्सर्जन करते हैं? ए ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों का, बी ऑप्शन है अल्फा बीटा गामा विकिरणों का, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगों का और डी ऑप्शन है अवरक्त तरंगों का। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अल्फा बीटा गामा विकिरणों का। तो रेडियो धर्मी तत्व है अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ए ऑप्शन है अल्फा किरण, बी ऑप्शन है बीटा किरण, सी ऑप्शन है गामा किरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि अल्फा किरण। तो अल्फा किरण की न्यूनतम पारगम्य शक्ति होती है और सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है। किसकी होती है? गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गामा किरण किससे बनी होती है? गामा किरण किससे बनी होती है? ए ऑप्शन है मेसान कण, बी ऑप्शन है हिंग्स बोसोन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉनो कण और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साइंस से संबंधित। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ आपको एमसीक्यू विज्ञान के 1000 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखोगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चनों का अभी आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और स्वयं का कंपेरिजन कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और RRB NTPC के लिए भी मॉडल पेपर में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।